ठीक है दोस्तों, आप लोग तब तक इंतजार करो जब तक सभी कमीने एक साथ जमा ना हो जाए, ताकि हम सभी को एक साथ खत्म कर सकें। मेरे सिग्नल देते ही सभी लोग अपनी पोजीशंस ले लो, जाओ। अल्लाहु अकबर। क्या तुम्हें यकीन है कि अल-मुतैर यहां आने वाला है? अगर वो नहीं आएगा तो वो पापी कहलाएगा। अल्लाहु अकबर। लिया, क्या तुम सही पोजीशन पर हो? हाँ सर, मैं पूरा आंगन देख सकती हूँ। जब हम लोग एक साथ होंगे तो तुम हमें कवर देना। यस सर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सभी तैयार हो जाओ, बस कुछ ही देर इंतजार करो जब तक मैं सिग्नल नहीं देता। शिट, जल्दी हमला हमला, भागो यहां से, भागो यहां से, भागो, हम लोग बचाओ, चलो यहां से निकलो, चलो यहां से निकलो, भागो 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 यहाँ से, हमला, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, भागो जल्दी, जल्दी अपने अपने हथियार उठाओ, भागो 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 निकलो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सभी अपने पॉइंट पर वापस आ जाओ, सभी तैयार हो जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बंदूकें उठाओ, मारो सबको, सामने वाले हमला कर रहे हैं, बचो, भागो यहां से, बचो के नहीं, भागो, हमला कर रहे हैं, आपको बचाओ, भागो, साइड हो जाओ, छुप जाओ, जल्दी जल्दी कवर, जल्दी जल्दी कवर 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 करो, अपने आप को कवर करो, जल्दी आओ, जल्दी 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 कवर करो, क्या कर रहे हो, आ जाओ, निकलो निकलो निकलो, कवर कर लो जल्दी जल्दी, पीछे चलो पीछे चलो पीछे 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 चलो पीछे चलो सब चलो चलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आओ आओ इस तरफ, इस चलो, तरफ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मूव मूव मूव, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार दो, चलो यहां से, मेजर फिलिप्स, हमने पोजीशन ले ली है, कम ऑन कम ऑन, हट जाओ हट जाओ हट जाओ,
कोई भी बचकर जा ना पाए। मारो सबको। अल्लाहु अकबर। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। रुको रुको, हम भी साथ आ रहे हैं, हमें कवर करो। साथियों इस तरफ आओ, जल्दी आओ। अल्लाहु अकबर। जल्दी आओ। चलो चलो इन लोगों को पकड़ लो, बंदी बना लो इन लोगों को। चलो चलो, हाँ ले चलो, सीधे चलो। तेरी ये हिम्मत तो हमें मारेगा। जल्दी भागो। चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगा। तुमने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती की। हटो यहाँ से। हे ऊपर वाले मेरी रक्षा करो, हे ऊपर वाले मेरी रक्षा करो। हाँ हाँ ठीक है। इन्हें नीचे ले जाओ।
लिया नहीं। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वैसे ये ड्रेस पहनकर दिखाओ ना तुम कैसी लगती हो। मेरे पास सच में फैशन शो करने के लिए समय नहीं है। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा? प्लीज डू, मैं चाहती हूँ मॉम से मिलो। तुम जानती हो कि मुझे मॉस्को वापस जाना है। हाँ, तुम्हारे स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक महीने के अंदर यहाँ वापस आ जाऊंगा एक प्रोग्राम के लिए, तब मैं उनसे मिल लूंगा। Promise? Yes, I promise. वैसे आपके प्रॉमिस का क्या हुआ? तुम भी मेरे साथ मॉस्को चल रही हो, कोई और सीक्रेट मिशन नहीं और ना कोई बुरा सपना, समझी? कोई बुरा सपना नहीं। तुम जानते हो मैं आऊंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं वापस आते ही रिजाइन कर दूंगी। और तुम्हारे भाई के बारे में क्या? वो बच जाएगा। मेरा मतलब समझ गए ना? मुझे शावर लेना होगा। सॉरी, मैं जल्दी में हूं, मेरी मॉम इंतजार कर रही है। ग्वेन रुक जाओ, मैं अभी इसे निकाल रही हूँ। कितनी बार कहा है तुमसे कि यहाँ पे पार्क मत करो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। ये टिकट लो, इसमें 10 दिनों का पेनल्टी भर कर जाना होगा। तुम जानती हो मैं पैसे दे दूंगी। दोबारा वापस मत आना यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.
मुझे लगा तुम कल आ रही हो। मुझे पहले कुछ काम खत्म करने थे, पर मैं अब आ गई हूँ। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही थी, मुझे बस चिंता थी कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं 15 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। क्या आपको कोई मदद चाहिए? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक है लिया। हाँ माँ, क्या तुम्हें सच में लगता है सिडनी ने सही काम किया? फ्लॉयड एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति है, पर लिया वो एक सैनिक है, स्पेशल फोर्सेस में एक सैनिक। लिया वो बहुत अकेली होगी, और मैं इस फीलिंग को जानती हूँ। उसे और क्या करना चाहिए, आखिर वो प्रेग्नेंट है। शायद तुम सही हो। वैसे पॉल कल पहुंच चुका है, अपने मिलिट्री दोस्तों के साथ है। तुम वहां जाकर उसे हेलो क्यों नहीं कहती? हाँ, लेकिन मुझे लगता है लड़कों को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। चलो दोस्तों, कोशिश करो कि कुछ भी ना टूटे। रिलैक्स ओल्ड मैन, अभी तक कुछ भी नहीं टूटा यहाँ। ओल्ड मैन की बात सुनो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। तुम फ्लोर से लाकर बियर पी रहे हो, क्या इसे मैं ग्लास में पी सकता हूँ? उसके पास एक केक है, लेकिन वो पहले से ही पीने के लिए बेताब है। जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं भी वेल, मुझे भी ये बहुत पसंद है। हमने पहली बारी बियर के साथ शुरुआत क्यों नहीं की? क्योंकि हमें वेडिंग पार्टी में जाने के लिए तैयारी करनी है। ओह जीसस क्राइस्ट, मुझे अगली बार सिटीजनशिप मिलने दो। फ्लॉयड कहाँ है? वो देखो दूल्हा आ रहा है। ओह लो आ गया हमारा भाई। लो तो सर आ ही गए। सिंगल व्यक्ति के रूप में पाइन पीने का ये अपना आखिरी मौका है, क्या बोलते हो? एक बूढ़ा भाई और उसका ये टाई, ये वास्तव में मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ मेरे ख्याल से नहीं। चलिए ठीक है। माइक हमें कुछ नहीं है, तुम जानते हो हम 1 घंटे में एक आदमी को खो देंगे। ये फनी नहीं है, हम इसे जल्दी बर्बाद नहीं कर सकते। रिलैक्स, हम इसे बनाने जा रहे हैं। हाँ चलो ड्रिंक लेते हैं। अभी तक अपनी वेशभूषा नहीं पहनी है। हमारे सूट्स हमारे कार में है। ठीक है ठीक है। रियली यहाँ ये दुल्हा और दुल्हन के लिए। थैंक यू। दुल्हा और दुल्हन के लिए। हमें और एक दो माइक। ओके। हमें जल्दी जाना होगा। हमारे पास अभी भी वक्त है। हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। सच में? ऐसा मत सोचना, क्योंकि उन्होंने और कोई योजना बनाई है। दोस्तों कृपया मुझे दिखाओ, इसके बारे में भूल जाओ। कोई दो राय नहीं, आप सच्चे और अच्छे हैं, इसलिए मेरी नजर तुमसे नहीं हट सकती। क्या बात है। तुम्हें छूते ही स्वर्ग का एहसास होता है, तुमको छूने की बड़ी इच्छा हो रही है, आखिरकार तुम्हें प्यार हो ही गया, और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। कोई दो राय नहीं कि आप सच्चे और अच्छे हैं, इसलिए मेरी नजर तुमसे नहीं हटती। और एक दो माइकी। यस आई लव यू बेबी। और अगर मिल सके तो मुझे तुम्हारी नजर है बेबी। अकेले रातों को गर्म आई लव यू बेबी। विश्वास करो मुझ पे, मैं कहता हूं
मुझे नीचे मत बुलाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आई लव यू बेबी। अब जबकि मैंने आपको आपको पाया है, आई लव यू बेबी। मुझे प्यार बस कर दो दोस्तों, तुम्हारी वजह से मेरे कानों से खून बह रहा है। आप लड़ना चाहते हैं? अगर लड़ना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे, तुम क्या बोलते हो? दरअसल प्यार और स्वतंत्रता सभी के लिए जरूरी है। मुझे और एक दो माइक। हाँ, जब आप डैड बन जाते हो तब आप वो टाइम मिस करते हो जब हमारे साथ ड्रिंक करते हो। हाँ, वो नींद के लिए एक अच्छी रात होती थी। और अगर आपके बच्चे मेरे जैसे दिखने लगे तो मेरे ऊपर शक मत करना, समझे तुम? ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है। छुटरों के लिए है ना। तो फिलहाल तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा मतलब सिर्फ जनता को बढ़ावा दे रहे हो या कुछ और कर रहे हो? इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये आपके पे ग्रेड से ऊपर है। तुम्हारा मतलब ये कॉन्फिडेंशियल है? बिल्कुल, मतलब ये बकवास कर रहा है। हाँ सही कहा। हाँ हो सकता है कि ये उस तरह से बेहतर हो। ठीक है, दरअसल मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप में से किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बॉटम अप्स, चर्च में जाने का टाइम हो गया है। हम सब चैंप्स, मेरे दोस्त और हम आखिर तक लड़के रहेंगे। हम सब चैंपियंस हैं, हम सब चैंपियंस हैं। हारने वाले हम नहीं हैं, हम इस दुनिया के चैंपियंस हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किले में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उपस्थित रहेगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हारा सर काट के स्वरों को खिला दूंगा, समझ गए ना? यस सर, मैं आपकी बात समझ गया। अबिगल, कितना अच्छा होता कि आप इसमें आते। आपको यकीन है कि हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? मुझे इस बारे में सोचने दो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। हम अपने ऑफिस के बारे में जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कब आगे बढ़ना है। मोहम्मद अल असीरी बर्लिन में आए हैं, वो आपके लिए भाग्यशाली है। जर्मनी ने हमें परमिशन दे दी है, वो तब तक अपने पास रखेंगे जब तक कि ना सब कुछ खत्म ना हो जाए। ब्यूटीफुल। यस, बट मुझे यकीन नहीं है कि आप इसके लिए सही हो या नहीं। अगर आपके दिमाग में और कुछ ना हो तो मैं ये शो खुलेआम दिखाना चाहूंगा। अगर बर्लिन में कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। अब मैं तुम्हारी कोई भी बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, और वही मिडिल ईस्ट में आपके छोटे सिक्वल के लिए जाएगा। आप क्लियर हो गए? गांजा बहुत मस्त है यार, मजा। ये फ्लेवर बहुत नया है, समझा? मार्केट में लेगा क्या? हाँ, देख ले कभी, ट्राई करके एक बार। तो लेकर बहुत मस्त है, एक तू लेना। ओके, हाँ यहाँ बैठ जाइए। सच आया यूके से, ये जा कजन भाई रहता है। वालेकुम अस्सलाम।
तुम्हें यकीन है कि वो नहीं आने वाला? चिंता मत करो, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन एक शादी की पार्टी में शामिल होना निश्चित रूप से आज उसके शेड्यूल में नहीं। भगवान का शुक्रिया। क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो? क्या जर्मन हथियार उठा रहे हैं? उन्हें ब्लेम मत करो, उनका नेचर ही वैसा है। आपका काम मोहम्मद अल असरी को बाहर निकालना था, ना कि 5 निर्दोष बाईस्टैंडर्स को। हम कोई भी विटनेस नहीं छोड़ सकते थे। इससे हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी होंगे। ब्रिटिश ऑफिसर्स मेरे ऑफिस के बाहर डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं। आपको कुछ मिल जाएगा। तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम तो ऐसे इंसानों की अपने काम के लिए बच्चों का भी बलिदान कर दोगे। अगर मैं कर सकता तो। बिल्कुल नहीं, मेरे कहे बिना कुछ भी नहीं होगा, समझ गए? बेशक। और कुछ? आजा बेटा, आजा। हाँ चलो एंजॉय करो, चलो म्यूजिक पे एंजॉय करो। अरे आराम से भी, आराम से भाई धीरे। हाँ और कैसा लग रहा है पार्टी? कम ना सीडियो। क्या कहोगे? लाओ लाओ भी लाओ। चलो अरे सुनो, अरे मेरे नाम बोला। आजा आजा, क्या पियोगी तुम? कुछ नहीं। हाँ देखिए म्यूजिक। हाँ मैंने ये माइक दो। बहुत मजा आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या प्लीज आप अपना ध्यान इस तरफ देंगे? मुझे पता है कि आप सब रात भर मुझे देख रहे हैं, बट मुझे अब इस अद्भुत व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है, और साथ ही साथ उसकी प्यारी दुल्हन पर भी। आप शायद इस आदमी के बारे में जो बात नहीं जानते हैं वो शायद ये है कि उसे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्तों के वजह से। हाँ, डायरेक्ट चॉइस लिया, और अब वो सारी रात यहाँ खड़े रहकर हमारे साथ बातें करके बिता रहा है, जबकि उसे वहां जाकर उसके पत्नी के साथ डांस करना चाहिए था। हम सबको इसकी मदद करनी चाहिए। सिडनी, क्या तुम प्लीज अपने हस्बैंड के पास डांस फ्लोर पर जाओगी? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वो जिंदगी भर आपके लिए क्या कर सकते हैं। मिस्टर डीजे, क्या आप सबसे रोमांटिक गानों की प्लेलिस्ट बना? जाओ।
सर। जल्दी आओ, वक्त बर्बाद मत करो, मुद्दे की बात करते हैं। ये है उमर अल मुतारी, आतंकी संगठन ब्लैक सैंड का मुखिया। ये 4 साल पहले स्टैंड क्रॉस सेंट जॉर्ज परेड के दौरान हुए बड़े हमले के लिए जिम्मेदार है, जिसमें हमारे 128 लोग मारे गए थे। ये है तारेक मुसाब अल जरकावी। हमारे इंटर्न के अनुसार वो अल मुतारी का दूसरा कमांडर है। और नंबर 3 मोहम्मद अल असारी, हालांकि आज दोपहर से वो अब इसमें शामिल नहीं है। हमारे पास खबर है कि मुतारी और जरकावी लताकी के किले में छुपे हुए हैं। अब आपका मिशन है उन दोनों को ख़त्म करना। अब आप एक टीम बनाइए जिसमें हमारे सबसे अच्छे लोग होंगे, मेरा बेटा और उसका यूनिट और मेरी सौतेली बेटी। तुम किले को घेर कर उसमें रहने वाले हर एक कमीने को मार डालो। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं फिलिप्स? यस सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कुछ और चाहिए? दरअसल इस ऑपरेशन के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, ना सहयोगी, ना मीडिया और ना ही हमारे प्रधानमंत्री को। अगर हम असफल हुए तो हमारे सर कट जाएंगे। क्या आप मुझे समझ रहे हैं फिलिप्स? हाँ सर, समझ रहा हूं। गुड, काम पर लग जाओ। डिसमिस्ड। सर, ठीक है ठीक है, ये अब तक की सबसे अच्छी पार्टी रही है। मुझे आप पर गर्व है। आप एक महान पति है, एक महान पिता और एक बेहतर सैनिक बनने जा रहे हैं। दरअसल ये वक्त ही बताएगा, अब तक हम बकवास कर रहे हैं। तुम बिना सुधरोगे नहीं। मुझे मेरे भाई के लिए एक शॉट दो। हाँ बिल्कुल, माइक के शॉट हम सभी के लिए है। घर पर शॉट। वो और यहाँ और एक एंडरसन आ रहे हैं। मुझे लगा कि आप हमारे साथ पार्टी में शामिल नहीं है। उसे एक ब्रेक देते हैं, उसे इस साल की रात के लिए लड़की रहने दो। सभी लोगों के बीच रहकर आज की रात वो लकी महसूस कर रही है। हाँ, जैसे कोई भी लड़की आपको घंटे के हिसाब से चार्ज किए बिना। ओ ठीक है, देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे सेना से प्यार हो गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर हमें तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं। अपने बालों को पीछे ले जाए थूकते समय। एक बात बताऊं दोस्तों, मैं इसे तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। आप हमारे बिना अपने गधे को गोली मार देंगे? टेररिस्ट के थ्रू हो सकता है, या तुम्हारी वजह से अपने हथियार की सफाई। ओ सोल्जर सोल्जर, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे अपने मस्कट मुरली और ड्रम के साथ? ओ सोल्जर सोल्जर, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे अपने मस्कट मुरली के साथ? तुम्हें क्या लगता है युद्ध एक खेल है? नहीं सर, आपको लगता है मौज मस्ती के लिए जान की बाजी लगा देंगे? यूथ के बारे में आप क्या जानते हो ओल्ड मैन? सबसे ज्यादा, आपसे ज्यादा बेटा। रेगिस्तान की रेत में खेलने की बजाय मेरी जंग घर के करीब होती थी। मेरे बहुत सारे दोस्त, अच्छे, मेरे सारे अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त उत्तरी आयरलैंड में मुसीबतों के दौरान मारे गए। तुम्हें पता है वो लोग तुम्हें कभी भी और कहीं भी मार सकते हैं। उत्तरी आइलैंड, लगता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। सॉरी, हमें आपका अनादर नहीं करना मेरा था। मेरा भी इरादा नहीं था। थैंक यू, गुड लक। शायद उसके पास एक पॉइंट है। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। लगता है बहुत ज्यादा पी लिए तुमने। अच्छा तो आप इनका ध्यान रखने वाले हैं? हाँ। ऐसे लगता है कि कल हमें बेस जाना होगा। फाइनली सिडनी। मैं देखती हूँ। सिडनी रुको प्लीज।
सिडनी, ये आज नहीं तो कल होने ही वाला था, है ना? अभी नहीं, मेरी शादी पर नहीं, अभी अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो तो बस, वो बस क्या, हमें इसी के लिए ट्रेन किया जाता है। तुमने एक सैनिक से शादी की है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल नौकरी नहीं, एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब इसी को लाइफस्टाइल बोलते हैं क्या? ये सच में मेरे लिए कठिन है, ये काम करते करते मैं बहुत थक गई हूँ। हमें नहीं पता होता कि दूसरा पक्ष कैसा है, ये बेकार काम है। सिडनी, अपने पति के पास जाओ और अपनी शादी एंजॉय करो, ये एक अच्छा दिन है। चलो चलते हैं, मैं बस एक सेकंड में आती हूँ। पॉल, मैं सेना छोड़ रही हूं। डैड की वजह से? नहीं, हाँ उसके कई कारण हैं। इसमें कुछ तो बात थी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। हम किसी वजह से आए हैं। देखो, तुम्हारे बीच और तुम्हारे डैड के बीच जो चल रहा है मेरा, हाँ बेहतर सिपाही, हाँ हे कम ऑन, ये सही नहीं है। वो कितना परेशान करता है और बकवास बोलता है। मैं और ये नहीं कर सकती। सुनो, मैं समझ गया, ओके? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगले मिशन के लिए रुकना ही होगा। मुझसे अभी और नहीं होगा लिया, तुम हमारी टीम की बेस्ट स्नाइपर हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। देखो, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें सही सलामत लाऊंगा, फिर तुम चाहे जो करो। लिया, प्लीज। अब रुक जाना ही बेहतर होगा। बोट्स तैयार करो। ओके चैप्स, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये मिशन टॉप सीक्रेट है और कभी भी कवर किया जा सकता है। छोटी सी गलती की वजह से हमारा मिशन फेल हो सकता है, तो हमें इस मिशन को संभल कर पूरा करना होगा। याद रखें, हम यहां उस आदमी को पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां उसे खत्म करने के लिए आए हैं। हम इस किले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम हर कमीने को मौत के घाट ना उतार दें। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सर, यस सर। आप सभी समझ तो गए हैं ना सोल्जर्स? हाँ सर, हम समझ गए। आप
आज के दिन सभी मुसलमान अपने ईद अल अदा का त्यौहार मनाते हैं। जब सुबह का सूरज उगेगा तो सभी मुसलमान नमाज के लिए एक साथ किले में खड़े होंगे और हम सभी उसी वक्त हमला करेंगे। क्या आप सभी ये बात समझ गए? तो चलो काम पर लग जाओ, आराम करने का वक्त खत्म हुआ दोस्तों। अब हम जा सकते हैं। सभी जानते हैं कि अब क्या करना है, तो मेरे जाने के बाद ही जाना। चलो के पास बस 11 सेकंड है। अगर सर्च लाइट ने आपको ढूंढ लिया तो समझ लेना कि मिशन खत्म हो गया, इसलिए सावधान रहें, ठीक है? जैक्सन, विल्सन, मैकडरमाइट और ओब्रायन, तुम सभी पहले जाओ। एंडरसन, दोनों एंडरसन, उसके बाद तुम लोग जाना। जाओ। अब सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ ठीक है। हम सिर्फ 5 मिनट इंतजार करेंगे, समझे? जाओ। एंडरसन, अपने ग्रुप के साथ जाओ। ठीक है दोस्तों, आप लोग तब तक इंतजार करो जब तक सभी कमीने एक साथ जमा ना हो जाए, ताकि हम सभी को एक साथ खत्म कर सके। मेरे सिग्नल देते ही सभी लोग अपनी पोजीशंस ले लो। जाओ,
अल्लाहू अकबर। क्या तुम्हें यकीन है कि अल-मुतैर यहां आने वाला है? अगर वो नहीं आएगा तो वो पापी कहलाएगा। अल्लाहू अकबर। लिया, क्या तुम सही पोजीशन पर हो? हाँ सर, मैं पूरा आंगन देख सकती हूँ। जब हम लोग एक साथ होंगे तो तुम हमें कवर देना। यस सर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सभी तैयार हो जाओ, बस कुछ ही देर इंतजार करो जब तक मैं सिग्नल नहीं देता। शिट, जल्दी हमला, हमला, भागो यहां से, भागो यहां से, भागो, सब बचाओ, सब बचाओ, चलो यहां से निकलो, चलो यहां से, चलो, भागो, भागो, भागो यहां से, हमला, चलो यहां से, चलो यहां से, भागो जल्दी, जल्दी अपने अपने हथियार उठाओ, भागो 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 निकलो, भागो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सभी अपने पॉइंट पर वापस आ जाओ, सभी तैयार हो जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बंदूकें उठाओ, मारो सबको, सामने वाले हमला कर रहे हैं, बचो, भागो यहां से, बचोगे नहीं, ये हमला हमला कर रहे हैं, आपको बचाओ, भागो, साइड हो जाओ, छुप जाओ, जल्दी जल्दी कवर, जल्दी जल्दी कवर, कवर 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 करो, अपने आप को कवर करो, जल्दी आओ, जल्दी 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 कवर करो, क्या कर रहे हो, आ जाओ नीचे से कवर कर लो, जल्दी जल्दी पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे 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 चलो, नीचे चलो सब, चलो चलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आओ आओ इस तरफ, इस तरफ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मूव मूव मूव, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार दो, चलो यहां से, फिलिप्स हमने पोजीशन ले ली है, कम ऑन कम ऑन, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, कोई भी बचकर जा ना पाए, मारो सबको, अकबर।
चलो जल्दी चलो। रुको, हम भी साथ आ रहे हैं, हमें कवर करो। साथियों इस तरफ आओ, जल्दी आओ। अल्लाहु अकबर। जल्दी आओ। चलो चलो, इन लोगों को पकड़ लो, बंदी बना लो इन लोगों को। चलो चलो, हाँ ले चलो, ए सीधे चलो। तेरी ये हिम्मत तो हमें मारेगा। जल्दी भागो। चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगा। तुमने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती की। हटो यहाँ से। हे ऊपर वाले मेरी रक्षा करो, हे ऊपर वाले मेरी रक्षा करो। हाँ हाँ ठीक है। इन्हें नीचे ले जाओ। वो हमें मार देंगे, शायद ऐसे ही लगता है। मैंने कहा बात मत करो।
लेफ्टिनेंट लिया बिलोवा एंडरसन, क्या तुम रशियन हो? नहीं, ब्रिटिश। ब्रिटिश? ठीक है ठीक है। कैप्टन एंडरसन, आपके मिशन को बर्बाद करने के लिए मुझे बहुत दुख है। मुझे लगता है ये एक सीक्रेट मिशन था, लेकिन अब मैं रशियंस और चाइनीज के होश उड़ते हुए देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्रिटिश को मारने के लिए प्लान बना रही है और वो इसका अंजाम शायद जानते नहीं हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था, समझे तुम लोग? मेरा जन्म एक बहुत बड़े परिवार में हुआ था, 5 भाई 4 बहनें। मेरे भाई अब अल्लाह के साथ हैं, हमारे कारण को अंतिम अंजाम दिया है। मेरी 2 बहनें मर चुकी है और मेरे माता पिता एक अदृश्य बॉम्ब से मारे गए। आपको लगता है कि आप इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं? वैसे लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी है ना? ये नहीं, आप इसके सिवा कुछ नहीं, बस आप सऊद की सभा के लैपडॉग हैं जो सभी सच्चे भक्तों पर शासन करना चाहते हैं। आपके आने से पहले ही वो शासन करते आ रहे हैं। ब्रिटिश, अमेरिकी, फ्रेंच, आपको उनकी इतनी आवश्यकता है कि आप ये देखने को तैयार नहीं है कि आपके सामने कौन है। एक भ्रष्ट शासन जो चाहता है कि सभी मुसलमान उसके अनुयायी हों, उसके गुलाम हों और उसी की प्रजा हो। लेकिन मेरे लोग केवल भगवान के वचन का पालन करना चाहते हैं। हम याच या रोल्स रॉयस की आकांक्षा नहीं रखते हैं। हम कांस या दुबई जाकर शराब पीकर वेश्याओं पर गाली गलौच नहीं कर सकते, पाप करके हॉलीडे नहीं मना सकते। हम शुद्ध इस्लाम हैं। हमारी महिलाएं अपनी चादरों के नीचे विक्टोरिया सीक्रेट के आधे कपड़े नहीं पहनती है, समझी? लेकिन सऊद की सभा के लिए आप बहाने बनते हैं। हम पवित्र शत्रु हैं, क्योंकि हाउस ऑफ सऊद से तेल और गैस खरीदना आपके लिए हमेशा अधिक सुविधाजनक था, जैसे कि अमेज़न से आपके ऑर्डर्स। कीमतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंत में आप जानते हैं कि वो इसे हमेशा आपको बेचेंगे, क्योंकि पैसों के लिए उनकी लालसा हमेशा पैगंबरों की शिक्षाओं पर हावी होती है। मेरा जवाब दो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम मेरे साथ क्या करते, बताओ? तुम मुझे मार देते? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, दोबारा सोचूंगा भी नहीं। मुझे पता है, मैं तुम में से किसी एक को तुम्हारे सेनापति के पास संदेश पहुंचाने के लिए भेजूंगा, दूसरा यहां रहेगा और आपके मित्र के समान दंड भुगतेगा। आपके पास 2 घंटे हैं। जब मैं 7 साल की थी, माँ मुझे बर्नून कब्रिस्तान ले गई। उस दिन मुझे पता चला कि रिचर्ड मेरे पिता नहीं है। और तुम सच में मेरे भाई नहीं थे। माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हें और रिचर्ड को पता चले। और उस दिन से मैं बस दिखावा करती रही। मुझे पता है, मेरे लिए तुम हमेशा एक सगे भाई ही रहोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहती हूं कि तुम ये जान लो पॉल। मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से बच पाऊंगी। हाँ, तुम बच जाओगी और घर भी जरूर जाओगी। मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगी पॉल, मैं यहां तुम्हें अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। लिया, हम में से किसी एक को ही जीने का मौका मिलेगा, दोनों के कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए पॉल। कोई तरीका सोचना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों जाएंगे या हम दोनों मरेंगे। अपना हाथ हटाओ और मुझे छोड़ दो। चलो चुपचाप चलो। तो बताओ ब्रिटिश सुगर, जो यहां है उसके पास ये ऑप्शन होगा, ये या तो ये, और जाने वाला स्वतंत्र है।
मैं जाऊंगा, उसे ले जाओ। पॉल, पॉल! आप नायक नहीं हैं, एक कायर हैं। तो तुम्हारे मृत्यु की खबर मिलने के बाद मैं घर से बाहर निकली। मेरे किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया और मैंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने एक कुत्ता पाला है, उसका नाम है आर्थर। 3 साल हो गए लिया, कहाँ थी तुम? सेना ने आपको क्या बताया? रिचर्ड ने मुझे बताया कि तुम में से कोई भी पॉल के अलावा जिंदा नहीं बचा था और वो पूरा ऑपरेशन क्लासिफाइड था। और पॉल, पॉल, पॉल ने उनका साथ दिया। पिछली बार मैंने उसे तुम्हारे फ्यूनरल पर देखा, पर उसने मेरी आंखों में आंखें नहीं डाली। शायद उसे अपराधी महसूस हो रहा होगा। वो जानता नहीं कि मैं अभी जिंदा हूं। माँ, सेना में ये बात कोई नहीं जानता और ना जान पाएंगी। और सिडनी का क्या हुआ? सिडनी, फ्लॉयड की मौत को स्वीकार नहीं कर पाई। उसने बच्चे को खो दिया। वो बहुत नाजुक थी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं मिल सकती। उसने अपनी जान ले ली। मुझे तुमसे कुछ कहना है माँ। तुम यहां नहीं रह सकती, यहां इंग्लैंड में नहीं। ये एक मेरा आखिरी मिशन होगा, फिर मैं निकल जाऊंगी। जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। मतलब
तुम अब भी एक सैनिक हो एक तरह से। क्या मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी? जरूर। आई एम सॉरी मॉम। खिड़की नीचे करो। यह क्या है? हाँ? सब कुछ ठीक है। ये ठीक है, थैंक यू। आप जा सकते हैं। ठीक है, इन्हें जाने दो। Royal Highness, क्या हम अंदर चले? आप उन रॉकेटों के लिए भुगतान किस तरह से प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं जिन्हें आपने हमें कभी बेचा ही नहीं? जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, हम जो आपको मिसाइल देने वाले थे वो अभी अनअवेलेबल है। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पैसे स्विस अकाउंट्स में भेजिए। इसका क्या मतलब है कि ये पब्लिक हो जाएगा? मैं समझा नहीं। चलिए ये कहते हैं कि मैंने लैब्स को कंसीडर किया है फाइनेंशियल ओवरसाइट में। मिसाइल्स की डिलीवरी टाइम की लिस्ट आ गई है। थैंक यू। सभी अपनी पोजीशन ले लो। हाँ, हम लोगों ने पोजीशन ले ली है। हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम प्लान के मुताबिक चलेंगे। 3, 2, 1। बिल्कुल अभी के लिए। अभी बहुत सारी डील्स करनी बाकी है। मिस फर्गसन आपको बैंकिंग की डिटेल्स दे देंगी। हाँ, इससे ही काम हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या चल रहा है? पार्टी खत्म हुई। मैं तुमसे नहीं डरता, तुम कौन हो? ये क्या है? अरे हथकड़ी पहना दो, अगर जरूरत पड़े तो गोली मार दो, जो तुम्हें सही लगे। खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। मैंने उस साइड को साफ कर दिया है। सामने के गेट से निकल जाओ, हम जीत जाएंगे। प्लान बी, कार सामने से आनी चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी आओ, जल्दी, फास्ट।
शूट मत करो, अंदर मिनिस्टर है। ब्रिटिश और सऊदी सरकारों को अपने किए गए अवैध व्यवहार की घोषणा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी चाहिए। पूरे विश्व में सच्चे इस्लाम के लोगों के खिलाफ उनके आक्रामक युद्ध की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए पूरे विश्व में हम डिमांड करते हैं हमारे सारे भाइयों और बहनों को ब्लैक साइट से सुरक्षित छोड़ दिया जाए। अंतिम में हमारी डिमांड है, हमारे डिमांड के बदले हम लोग सारे ट्रूप्स को सारे पवित्र भूमि में से निकाल देंगे। आइए हम इसे चेक करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कमजोर होने के कारण कोई जोखिम लेने और उनकी एक मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो जाएगी और इससे मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो जाएगी। मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कितना नुकसान पहुंच सकता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, समझे आप? अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस आतंकियों में एक लड़की भी है। तुम इसे पहचानते हो? वो चार दिन पहले मॉस्को से वीजा लेकर एलिना पेट्रोवा के नाम से पहुंची थी, जहां पर वो पिछले 3 सालों से रह रही थी। जानते हो, हमें लगता है वो कम से कम 3 मिलिट्री अटैकों में शामिल हो चुकी है, जैसे कि इराक, फ्रांस और जर्मनी। जैसे ही हम लिया और उसके नए दोस्तों से मिलेंगे, हम स्ट्राइक कर देंगे। तो आप मुझे कहना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, और हम जानते हैं कि वो अपनी माँ से मिलने गई थी। आप हॉस्टेजेस को छोड़ दे और बाकी लोगों को लिया के साथ मार दीजिए। तुम इससे कभी नहीं निकलोगे। मुझे पता है तुम कौन हो, कैप्टन लिया एंडरसन। तुमने अपने ही देश से गद्दारी किया है। हम देखेंगे कि वास्तव में देशद्रोही कौन है। मैंने उसके ड्राइवर के बारे में काफी कुछ सुना है। इसे मेरे सामने से ले जाओ। ठीक है मैडम। और तुम भी यही चाहते हो? नहीं थैंक यू, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। मुझे याद है कि आप एक बार ब्रिटिश सेना में काम करती थी, लेकिन अब आपने टीम क्यों बदल ली? इसीलिए अब मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, यही कहना था। मैं उसके जैसे आदमियों से अपना इस्तेमाल करके थक गई थी। मेरे सारे वरिष्ठ जिनके पास कोई मॉरल कोड नहीं है, जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रानी और देश के पीछे छिपते फिरते हैं, जो सैनिकों को मरने के लिए बाहर भेजते हैं और अगर वो असफल हुए तो उन्हें वही छोड़ आते हैं, और ये सब किसके लिए? अपने ही रिश्तेदारों को जेल में डालने वाले भ्रष्ट राजकुमारों के लिए, उन्हें मारने और नष्ट करने के लिए दूतावास में मध्य पूर्व के सबसे गरीब देश पर बम बरसाना। इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, और सबसे बुरी बात यह है कि हम सब इसके बारे में जानते हैं, हमेशा से जानते थे। इसके बावजूद हम उन्हें अवैध रूप से हथियार बेचते हैं, ऐसा करने के लिए। नो 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 नो, मुझे विश्वास है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आप वाकई सोचते हैं कि आपकी मांगें पूरी होंगी? मुझे बताओ। सच कहूँ तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो गुप्त नहीं रहेगा, ये तो पक्का है। ज्यादा कंफर्टेबल मत होना, पर मैं ये सब कर रही हूं क्योंकि मुझे तराजू को बैलेंस करना है अपनी पसंद की टीम के साथ एक बार मिलकर। मेरा प्रॉब्लम उसके जैसे लोगों के साथ है, पर अन्य लोग भी हैं जिन्हें आपसे जायज शिकायतें हैं। क्षमा करें, मुझे कुछ काम से जाना होगा। क्या सच में आप नेतृत्व नहीं करना चाहते हो? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। आपको करना चाहिए, वो अपने दुश्मन है। क्या मतलब है?
चलो मिलकर करते। तारिक मुसाब अल जरकावी लेबनान में पैदा हुए, पिता वकील माँ डॉक्टर, एक आतंकवादी के लिए काफी प्रगतिशील। क्या मैंने तुम्हें थूकने की इजाजत दी? हिम्मत कैसे हुई? यह इंग्लिश मिट्टी है जिस पर तुम थूके हो। आप अपनी इच्छानुसार रेगिस्तानी रेत में थूक सकते हो। हल यही तुम अपने दुश्मनों के साथ करते हो, है ना? लेकिन यहां जमीन से टकराने वाला शारीरिक पदार्थ आपका खून, पसीना और आंसू होगा। मैं तुमसे पूछता हूं, वो कहां है? हाँ सर, समझ गया। मैं तुमसे फिर पूछता हूं और मैं चेतावनी भी देता हूं, वो कहां है? बताओ। कैसे लगा? अड़ुआ से हाँ 2 मील दक्षिण में बाई ओर मुड़े एक छोटे से देश का रास्ता, और इसी रास्ते के अंत तक जाएं। हम इसे स्टूडियो में तब्दील करना चाहते हैं। थैंक यू। और अब कैसे लगा? मुझे लगा तो मुझे एग्जीक्यूट कर दोगे। वो तो मैंने किया। तो तुमने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आप में एक दयालु आत्मा देखी है। कोई है जो नोबल कॉज के लिए मरने के लिए तैयार था। दरअसल आप गलत थे, आपकी सोच गलत नहीं थी। और आप नाराज नहीं हैं कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा? नहीं, इसी कारण से नाराज नहीं हूं। हमारे पास अब कोई कारण ही नहीं है। मैंने इसे अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा है, खासकर पिछले कुछ महीनों में। पर मुझे अब भी विश्वास है कि आप अच्छा ही करते हो। लोगों को मारने के लिए सब कुछ काफी नहीं है। आपके मॉस्को से लौटने के बाद मैंने कुछ और देखा है। मुझे लगता है कि आपको लड़ने के लिए कुछ और मिल गया है, या कोई और शायद। तो ये स्पष्ट है? नहीं, सभी के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं लिया एंडरसन, इसीलिए याद रखें, वो हमेशा आपके पीछे रहेंगे। वो हमेशा आपका शिकार करने की कोशिश करेंगे। दरअसल एक बार मरने के बाद ही आप दौड़ना बंद कर सकते हैं। आर्थर, आर्थर, आर्थर,
उमर उठो, हम उनके जाल में फंस गए हैं। उन सबको मार डालो। नहीं नहीं, चलो सभी को मार डालो। मारो उन्हें। रुक जाओ, क्या तुम मुझसे दूसरी बार मरना चाहते हो? लिया प्लीज, काम पूरा हो गया। तुम यही रुको, तब तक तुम्हें जो करना है वो करो और मैं काम खत्म करके आता हूं। विम,
हेलो हेलो ओके छोड़ो निकोलाय, मैं वापस आ गई। अरे बाप रे, निकोलाय, 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 निकोलाय। Oh!